हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि माइक कौन सा ले और आप नए यूट्यूबर हैं तो आपको कौन सा माइक लेना चाहिए और इससे माइक में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यूट्यूब में एल्गोरिथम खोजता है कि माइक का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपके वॉइस में क्लियरिटी आना चाहिए, वॉइस में बोल्ड आना चाहिए, मतलब आवाज़ उसका बोल्ड होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैं ये माइक को यूज़ कर रहा था, वायर का माइक को आप देख सकते हैं पूरा लाइव, ये वायर का माइक है और इसका जो रेंज भी होता है बहुत कम हो जाता है दोस्तों। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक माइक को मैंने ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद मुझे माइक रियल में बहुत पसंद आया, क्योंकि ये जो बॉक्स में मैं बैठा हूँ, मतलब रूम में बैठा हूँ, तो इसमें सराउंड थोड़ा साउंड आता है और बाहर अगर निकलूँगा तो वॉइस थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगा। तो ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पर ही आप डिजिटेक का माइक है, आप देख सकते हैं 1999 इसका प्राइस है। तो इसके साथ क्या क्या आता है दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ और कनेक्ट कैसे करते हैं इसी वीडियो में पूरा आपको पता चलेगा। तो इसमें एक आता है कनेक्टर जो आपको फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा, दो इसमें माइक आता है जो कि इसका डिस्टेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब 20-25-30 मीटर के अराउंड इसका रेंज है। बहुत अच्छा लगा मुझे इसका रेंज, बहुत अच्छा लगा, वॉइस भी बहुत अच्छा है इसका, और इसका लाइव मैं आपको दिखाऊंगा और इसको भी सुनाऊंगा, आप खुद ही बता सकते हैं कमेंट करके कि दोनों में डिफरेंस है या नहीं, बहुत अंतर आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग लाइव डेमो करने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन घंटी है उसको ज़रूर दबा दीजिए कि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब मैं लाऊं तब आप लोगों का नॉलेज बढ़ाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आपने फ़ोन में आपको OTG को सबसे पहले आपको यहाँ पर ही टाइप करके उसको OTG को ऑन कर लेना, OTG। तो ये रहा हमारा OTG, आप यहाँ देख सकते हैं OTG के बाद दोस्तों यहाँ पर ही OTG जो कनेक्शन है उसको आपको ऑन कर लेना है। तो ये रहा हमारा ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद दोस्तों ये जो डिवाइस है ये डिवाइस को आपको जस्ट यहाँ से प्लग इन कर लेना है। तो यहाँ पर ही हमारा ऑन हो गया और यहाँ पर ही आपका कलर ब्लिंक कर रहा है, आपको दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक करने के बाद अगर आप दो माइक यूज़ कर रहे हैं तो पीछे बैक साइड में इसका ऑन बटन है, तो इसको प्रेस करके आपको रखना है यहाँ पर ही। तो हम यहाँ प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पर ही हमारा कनेक्ट हो चुका है। आप यहाँ रेड है लाइट, आप देख सकते हैं रेड लाइट जल रहा है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस अगर रेड अगर जल रहा है तो समझ सकते हैं कि इस फोन में कनेक्ट किया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको कनेक्ट करके और इसका वॉइस को आप लोगों को सुना देते हैं कि इसमें डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। तो अब हम इस फोन का रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को तो ये रहा हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है और दोस्तों अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं रिकॉर्डिंग को। तो चलिए 1 2 3 4 अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपको डिफरेंस आपको दिख रहा है, अगर दिख रहा है डिफरेंस तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं आप इस माइक से बात कर रहा हूँ, ये माइक को मैंने म्यूट कर दिया। तो दोस्तों आप लोगों को डिफरेंस लग रहा है, अब आप ये माइक का आपको डिफरेंस आपको सुनाते हैं, मतलब वायर वाला माइक का। तो देख सकते हैं आप वायर वाला माइक का मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को डिफरेंस लगा वायर मतलब माइक से यूज कर रहे थे, अभी मैं वायर का आवाज हो रहा हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों फिर से, अब इसका आवाज आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों देखिए अब आवाज में डिफरेंस आया, तो जरूर डिफरेंस आएगा क्योंकि ये आवाज थोड़ा भारी हो जाता है और माइक का आवाज थोड़ा हल्का हो जाता है, तो डिफरेंस आपको इसी में दिख जाएगा दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, वीडियो जरूर बताएंगे आप मुझे कमेंट करके, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगर आपको इस प्रोडक्ट चाहिए तो इसका नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।